सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैनपुरी जिला उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा डिवीजन के जिलों में से एक है। मैनपुरी शहर इस जिले का मुख्यालय है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व में कन्नौज और फर्रुखाबाद, पश्चिम में फिरोजाबाद, उत्तर में एटा और दक्षिण में इटावा जिले से घिरा हुआ मैनपुरी जिला कुल 2760 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें से 13.64 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जंगलों के अंतर्गत और बाकी का क्षेत्रफल कृषि, घरों, फैक्ट्रियों और अन्य संरचनाओं के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक संरचना की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी जिले के अंतर्गत 6 तहसील करहल, किसनी, कुरावली, घिरोर, भोगांव, मैनपुरी, 9 नगर पंचायत या नगर पालिका मैनपुरी, भोगांव, बेवर, कुसमरा, किसनी, करहल, घिरोर, कुरावली, ज्योति खुड़िया और 868 राजस्व गांव आते हैं। मैनपुरी जिला पर्यटन के लिहाज से एक समृद्ध जिला है, क्योंकि यहाँ पर लोहिया पार्क, सामान अभ्यारण्य मैनपुरी, माता शीतला देवी मंदिर, महाराजा तेज सिंह चौहान किला, च्यवन ऋषि आश्रम आदि शामिल है। दोस्तों, मैनपुरी जिला देश के दूसरे हिस्सों से सड़कों और ट्रेनों से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुख्य सड़क मार्ग से बस सभी प्रमुख शहरों के लिए उपलब्ध है, लेकिन मैनपुरी जिले के आंतरिक हिस्से में जाने के लिए कुछ और बस स्टैंड में मुख्य रूप से करल बस स्टैंड, मोटा स्टैंड, गोपीनाथ बस स्टैंड हैं जो अच्छे यातायात प्रदान करते हैं। बात अगर रेल मार्ग की करें तो पूरी लाइन को जनवरी 1906 में खोला गया था। ये जिला केंद्र के माध्यम से सिकोहाबाद स्टेशन पर जाता है, जहां ये मुख्य लाइन आरण, कोसमा, मैनपुरी, भोंगान और मोटा में शामिल हो जाता है। यहां का मुख्य ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस है, जो मैनपुरी से दिल्ली और कानपुर को जोड़ती है। इसके अलावा कुछ स्थानीय ट्रेनें भी मैनपुरी से फर्रुखाबाद और टुरुंडला तक जुड़ी हुई है। बात अगर जनगणना की करें तो मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी जिले की कुल जनसंख्या 18,68,529 है, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 9,93,377 और महिलाओं की जनसंख्या 8,75,152 है। वहीं यहां का लिंगानुपात मात्र 881 महिला प्रति 1000 पुरुष है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। दोस्तों, धर्म के आधार पर जनसंख्या को विभाजित करें तो मैनपुरी जिले में रहने वाले लोगों में हिंदुओं की जनसंख्या 93.48% और मुस्लिमों की जनसंख्या 5.39% है। बाकी के लोग अन्य धर्मों से बिलोंग करते हैं। अब बात अगर साक्षरता की कर लें तो मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी जिले का साक्षरता दर 75.99% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 84.53% और महिलाओं की साक्षरता दर 66.30% है। मैनपुरी जिले में अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग बोलचाल में किया करते हैं। दोस्तों, मैनपुरी जिले में कई सारे शानदार शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें मुख्य रूप से सेंट मैरी स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, आकांक्षा ग्लोबल एकेडमी, जेएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल, एसबीआरएल वैस रेसिडेंशियल एजुकेशन पब्लिक स्कूल, श्री चित्रगुप्त पीजी कॉलेज, एसएलआर इंटर कॉलेज, आरसी महिला डिग्री कॉलेज, आदर्श राष्ट्रीय आवासीय इंटर कॉलेज आदि मुख्य रूप से
शुमार हैं। दोस्तों, मैनपुरी जिले में चिकित्सा हेतु कई सारे हॉस्पिटल्स शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से सतीश हॉस्पिटल, शिवानी हॉस्पिटल, महाराजा तेज सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैनपुरी, उत्तम हॉस्पिटल, दयाल हॉस्पिटल आदि शामिल है। दोस्तों, मैनपुरी जिले का श्रम बल भागीदारी दर 43.73 है। मैनपुरी जिले के लोग अधिकांश रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं और यहां का प्रति व्यक्ति आय लगभग 44,149 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। दोस्तों, मैनपुरी जिले के लोगों के बीच ही कुछ ऐसे लोग बसे हुए हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, जिस वजह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2018 के आंकड़ों के अनुसार यहां का क्राइम रेट 173.02 है, जिसमें सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। दोस्तों, तो दोस्तों, मैनपुरी जिला की ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और अगली वीडियो आप किस जगह या किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे YouTube चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं अपने खुद का कपड़ों का बिजनेस तो दिव्या टेक्सटाइल में आपको 200 से भी ज़्यादा वैरायटी के क्लोथ्स मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फैक्ट्री रेट पर। दोस्तों, यही वो समय है जब आप अपने किसी भी कारोबार को अच्छी तरह से उठा सकते हैं, और कपड़ों का बिजनेस इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के एक्सपायरी डेट नहीं रहती है, यानी अगर आप इस वर्ष कपड़े नहीं बेच पाए तो नेक्स्ट ईयर भी बेच सकते हैं। तो देरी किस बात की है दोस्तों, फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर मुझसे संपर्क करके आप भी घर बैठे कपड़े ऑर्डर कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपने खुद के कपड़ों का बिजनेस। दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और इतनी तत्परता से हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।